तो गाइस मैं अभी निकल गया हूँ मंदिर से और मैं अभी जा रहा हूँ होटल की तरफ। तो थोड़ा रेस्ट किए वहाँ पे, जो मंदिर है वहाँ पे रेस्ट करके उसके बाद फिर निकले अभी होटल की ओर। तो मैं वहाँ पे होटल लूँगा और आप सभी को दिखाऊँगा। यहाँ पे मैंने पता किया कि मतलब तो मुझे धर्मशाला में मिली, अच्छे से जगह मिली, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि मैं अकेला हूँ और बहुत ज़्यादा बड़ा रूम था। मैं अपने ग्रुप के साथ में आता तो ज़रूर मैं लेता। वहाँ पे पीछे देख लीजिए, वहाँ पे पहाड़ी है, तो इसीलिए मुझे पसंद नहीं आया। और यहाँ पे जो लोग हैं, काफ़ी सुंदर घर बनाए हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे घर हैं। तो चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं थोड़ा और एंटरटेनमेंट कराते हैं यहाँ पे। कल मैं आप सभी को लेके चलूँगा उस पहाड़ी पे, वहाँ पे जो आपको पीछे पहाड़ी दिखाई दे रही है उस पहाड़ी पे मैं लेके चलूँगा। और आप सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अभी टहल रहा हूँ यहाँ पे नेपाल के रोड पे। तो अभी मैं जो थोड़ा ढालू ज़मीन की ओर जा रहा हूँ और मौसम सुहाना है और सुंदर है। आप सभी को कल मैं घुमाने वाला हूँ, मेडिकल कॉलेज है छोटा सा, तो वो छोटा सा तो मतलब अच्छा खासा बड़ा है, तो वो अभी मुझे सामने दिख रहा है। तो मैं आप सभी को कल वो सब दिखाऊंगा, या हो सकता है तो शाम को मैं लेके चलूंगा। और शाम को तो ये वीडियो, शाम वाला वीडियो तो आएगी बाद में। अभी मैं डालूंगा यहाँ पे होटल में वाईफाई लेके, तो आइए देखते हैं। तो मैं होटल के करीब पहुँच चुका हूँ, दिखाता हूँ मैं यहाँ से कुछ होटल का। इसी होटल में हम लोग रुकेंगे, इस होटल का नाम है विजयपुर। लास्ट टाइम आए थे तो इसी होटल में हम लोग रुके थे, मैं और मेरा भाई आए थे तो इसमें रुके थे। इस बार भी मैं इसी होटल में रुकूंगा। और यहाँ पे सामने एक पार्क है, तो इस सामने पार्क में और इधर जो है फूड वगैरह सब का, खाना वाना का आइटम सब का यहाँ पे दुकान है। तो आइए हम लोग यहाँ पे और इस होटल में भी कुछ यहाँ पे होटल में पूछते हैं। तो ये देख लीजिए, आप वीडियो में पिछली बार देखे होंगे इनको, तो फिर से मेरी मुलाकात हुई इनसे और इस बार फिर से मैं यहाँ पे होटल लेने वाला हूँ। गफाड़ी जूस, क्या खबर है आपका? सब ठीक है, मुझे होटल चाहिए वही वाला। वही तो ये। तो इनका ये मिनी मार्केट है यहाँ पे। तो अभी मैं अभी होटल ले लिया हूँ और आप सभी को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मुझे होटल का प्राइस लगा 300 रुपीज, और मैं आप सब दिखाता हूँ यहाँ पे होटल का जो लुक है उसके अंदर का लुक मैं दिखाता हूँ आप सभी को। हाँ, तो ये पानी है, तो सामने ये बालकनी है और यहाँ पे ये होटल का लुक है और कुछ ऐसा नजारा है यहाँ पे। तो काफी मजा आ रहा है यहाँ पे, ऐसा होटल मुझे मिला है। मैंने यहाँ पे मुझे ये होटल जो मिला है ये 300 में मुझे मिला है। और यहाँ पे 300 बोले मतलब ये इंडियन करेंसी में 300 में मिला है। और इसका कॉस्ट है यहाँ पे 500, जो नेपाली पैसा है यहाँ का 500 है यहाँ पे। और मस्त सा बेड है यहाँ पे, शानदार सा, और ऐसा कुछ है व्यू देखने को। और ये है रूम, वहाँ पे सामने आप देख पा रहे होंगे वो है मेडिकल कॉलेज यहाँ का, नेपाल का। तो मैं अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ और आप सभी को मैं दिखा देता हूँ पहले यहाँ पे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे मुझे 2 बोतल पानी मिला है और फिर यहाँ नैपकिन वगैरह सब है रखा हुआ। यहाँ पे कॉल करके मैं कॉल करके बोल सकता हूँ कि मुझे खाना चाहिए। और यहाँ पे अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, रूम फैन वगैरह सब अच्छे हैं। मैं थोड़ा बालकनी वगैरह सब दिखा देता हूँ, ये मेरी बालकनी है। यहाँ पर भी देखने में काफ़ी शानदार है, यहाँ पर मैं शीशा उठा के मैं कुछ बातचीत वगैरह सब मतलब बाहर से कुछ कनेक्टिविटी कर सकता हूँ। तो अच्छा व्यू है यहाँ पे। तो ये रहा मेरा होटल का लुक। तो गाइस मजा आ रहा है यहाँ पे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जाऊंगा और मुझे इतना मस्त होटल मिलेगा वहां पे। तो आप सभी प्यार शेयर करें मेरे साथ में। और मैं अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करूंगा क्योंकि भूख लग गया बहुत ज्यादा। मैं थोड़ा कुछ खाऊंगा फिर उसके बाद आप सभी को मैं दिखाता हूँ बाहर का व्यू जो मैं शाम को घूमने के लिए चलूंगा। थैंक यू। ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया गाइस। ये पूरा टोटल रूम का व्यू यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए मेरे रूम का। तो उधर से लाइट आ रहा है इसीलिए ऐसा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ का जो पर्दा है वो हट गया है इसीलिए लाइट आ रहा है।